देहरादून से बड़ी खबर, उत्तरायणी मेले का आज होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि नुमाइश क्षेत्र में उत्तरायणी मेले का आज शुभारंभ होगा। कई योजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा और शिलान्यास भी करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि उत्तरायणी मेले मकर संक्रांति में उत्तरायणी मेले का आज शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले में शिरकत करेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। नुमाइश खेत में उत्तरायणी मेले का आयोजन हो रहा है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ। अवनीश जी, यहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे, उत्तरायणी मेले का आज शुभारंभ करेंगे और कई योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? मठ का जो है यहाँ का जो मामला निमट रहा है, उसको कैबिनेट बैठक में भी जो है जिस तरीके की बातें हुई थी, विस्थापन की बात हुई थी, तमाम चीजों को लेके, अब क्योंकि ये जो है एक आस्था का जो पर्व है, उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति का दिन है, उसको लेके यहाँ पर जो है एक मेला लगाया जाता है पहाड़ में, पहाड़ की संस्कृति को जो है वो दर्शाता है। उस मेले का जो है मुख्यमंत्री जो है कुछ ही देर बाद जो है उद्घाटन करेंगे और ये मेला 2-3 दिन तक चलता है। और ये देखा जाए तो लोक संस्कृति जो है यहाँ पे जो है देखने को मिलती है और लोग जो है आस्था की जो है उसमें डुबकी लगाते हैं। जी दीपक, बिल्कुल, ये मकर संक्रांति के वक्त ही ये उत्तरायणी मेला लगता है, अक्सर हर साल लगता है यहाँ पर। जी, ये कई वर्षों से लग रहा है, जब से जो है देवभूमि का स्थापना हुई थी यहाँ पे जो है ये देव संस्कृति में। वैसे तो यहाँ पे अगर कहा जाए देवभूमि है, यहाँ पे हर रोज ही जो है कहीं ना कहीं मेलों का आयोजन होता रहता है, परंतु जो ये उत्तरायणी मेला है ये बड़ा अपने में एक अहम रखता है। और सबसे बड़ी बात है जो इनका जो निवास क्षेत्र है पुष्कर सिंह धामी जी का, ये मेला उस जगह पे लगाया जाता है। जी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी। तो थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि उत्तरायणी मेला अक्सर हर साल यहाँ पर इस वक्त लगता आ रहा है। जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है तब से ये मेला पारंपरिक मेला है वहाँ का, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। वहाँ के खान पीन, वहाँ का रहन सहन, कल्चर, तमाम चीज़ें इस मेले में दिखाई जाती हैं। 3 से 4 दिन का ये मेला यहाँ पर लगता है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा।